नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप में जगह पाने वाले 78 छात्रों को आज हेलीकॉप्टर की सैर कराई गई। राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड में ये सैर कराई गई। इस दौरान शिक्षा मंत्री प्रेमसाय किताब ने हरी झंडी दिखाकर इस हेलीकॉप्टर राइड को रवाना किया। आपको बता दें कि सीएम निवास में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित करेंगे। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर मेधावी छात्रों को लेकर कुछ 15 बार उड़ान भरेगा। पहले राइड शिक्षा मंत्री के साथ और दूसरी राइड माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव के साथ हुई। आपको बता दें कि सीएम की तरफ से बच्चों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 1 लाख की सम्मान राशि दी जाएगी और 50,000 रुपए लैपटॉप के बदले दिए जाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ है। किस तरीके से राइड भरी गई और कितने दिनों से इसकी प्लानिंग की जा रही थी और क्या कुछ खास रहा उसमें? ओम प्रकाश, देखिए स्वीटी, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा ये की थी कि जो बच्चे टॉप में आएंगे उन्हें हम हेलीकॉप्टर की राइड कराएंगे, जॉय राइड कराएंगे, तो जाहिर तौर पे इसी मसले को लेकर पिछली बार जैसे 2022 में भी इसी तरह का देखा गया था। बच्चे काफी खुश थे राइड करके हेलीकॉप्टर की, तो इस बार भी ये आयोजन किया गया जिसमें अभी फिलहाल आज पहला दिन था जिसमें 89 जो टॉपर बच्चे थे जो 10वीं और 12वीं के, उन्हें हेलीकॉप्टर द्वारा जॉय राइड करवाया गया। तो इसमें अलग अलग क्षेत्रों के जो बच्चे रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों के बच्चे हैं, वो पूरे जोश खरोश के साथ आज रायपुर पहुंचे थे और रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो कार्यक्रम में डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जो शिक्षा मंत्री है वो उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी और उनके साथ ये बच्चे काफी देर तक गुफ्तगू भी करते रहे, साथ में हेलीकॉप्टर की राइड भी करते रहे। जी, कितने दिनों तक ये सम्मान समारोह चलने वाला है, क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई आपके पास? देखिए फिलहाल ये पहली खेप में इस तरह से जो 89 बच्चे हैं उनको जॉय राइड कराया गया। आगे और भी 1-2 दिन में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हेलीपैड में इस तरह का आयोजन होगा और जो जो बच्चे टॉपर में आए हैं, जो टॉप में रहे हैं, उन बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही इसके अलावा जिस तरह से बच्चे जो है, जो बच्चे काफी उत्साहित नजर आए, उनके लिए ये सफर जो था वो काफी रोमांचकारी रहा है और जो छात्र है वो एक जज्बा उनके अंदर ये देखने को मिला कि अगली बार फिर से हम मेहनत करेंगे और अगली बार फिर से हम हेलीकॉप्टर की राइड करेंगे। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, इस तरीके के जब कार्य सरकार की तरफ से होते हैं तो मोटिवेशन मिलती है बच्चों को, उन छात्रों को, और ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि लैपटॉप के बदले उनको 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, तमाम जो योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ सरकार की जो मेधावी छात्रों के उन्नयन के लिए, साथ ही जो पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए, तो तमाम जो योजनाएं हैं उनका लाभ तो उन्हें मिलेगा ही, लेकिन इस बार यही देखने को आया कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल में साल 2023 में जो वार्षिक परीक्षा हुई थी उसमें 10वीं में कुल जो 49 जो छात्र हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, साथ ही 30 जो छात्र हैं वो प्रवीण सूची में आए थे 12वीं के। तो ये जो तमाम जो है छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद रहे और इन्होंने इसका आनंद उठाया। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, किस तरीके से छात्रों के चेहरे पे वो खुशी, वो स्माइल देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए तो इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे समारोह में शिक्षा मंत्री की मौजूदगी के अलावा और कौन कौन से मंत्री या बड़े स्तर के अधिकारी मौजूद थे? ओम प्रकाश, देखिए फिलहाल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के अलावा इस कार्यक्रम में जो स्कूल शिक्षा सचिव है एस भारतीदासन, इसके अलावा जो प्रमुख शिक्षा सचिव है आलोक शुक्ला, साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो सचिव है वीके गोयल, वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो पाए और उनकी व्यस्तताओं के कारण वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। तो पूरी तरह से ये जो कार्यक्रम था वो सरकार द्वारा आयोजित किया गया था और सरकार द्वारा
इसे सर्वर पर ही मानकर इसे इंप्लीमेंट किया गया। अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वो लगातार चाहे युवा हो छात्र छात्रा हो, उनके बीच कका यानी काका के नाम से वो काफी प्रसिद्ध है और लोग उन्हें से मिलने के लिए उनसे देख उनके जो फैसले लगातार उन्होंने लिए हैं, इसकी वजह से उनको प्रसिद्धि काफी मिली है छत्तीसगढ़ के अंदर इन युवाओं के बीच में। तो जाहिर तौर पे ये कमी काफी खली बच्चों को इस दौरान कि सीएम हमारे साथ नहीं थे, हम उनके साथ हेलीकॉप्टर की राइड नहीं कर पाए। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नाथूराम गोडसे एक सच्चे देशभक्त थे। गिरिराज सिंह के इस बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री ने गोडसे का महिमा मंडन करके एक बार फिर से राष्ट्रपिता का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि गोडसे संचार भारत का पहला आतंकवादी था जिसके दामन पर राष्ट्रपिता के खून के दाग है। केंद्रीय मंत्री ने गोडसे को भारत का सपूत बताकर भारत की जनता का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने गोडसे का महिमा मंडन करके एक बार फिर से राष्ट्रपिता का अपमान किया। गोडसे आजाद भारत का पहला आतंकवादी था, उसने राष्ट्रपिता का खून किया था। महात्मा गांधी की हत्या के दाग गोडसे के दामन पे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी न कभी गोडसे की हमेशा हर छोटे बड़े नेता ने तारीफ किया है। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने गोडसे को भारत का सपूत बता के भारत की जनता का अपमान किया है। और दुर्ग के दौरे पर आ रहे केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी ने की बैठक, बैठक में तैयारियों को लेकर की गई चर्चा। तो अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे कि दुर्ग के दौरे पर अमित शाह आने वाले हैं, गृह मंत्री अमित शाह, और इसको लेकर बीजेपी ने बैठक की तैयारियों पर चर्चा की है और कुछ ही दिनों में उनका ये दौरा रहने वाला है। ऐसे में तैयारियां की जा रही है सुगम तरीके से। दूर के दौरे पर आ रहे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बैठक में तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। हम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं कि दूर के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिसको लेकर अब बीजेपी तैयारी कर रही है छत्तीसगढ़ में। तो दुर्ग के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं और ऐसे में बैठक में तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। तो दूर के दौरे पर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कुछ ही दिनों बाद उनका ये दौरा रहने वाला है। ऐसे में तैयारियां की जा रही है काफी जोरों शोरों से और इसके लिए बैठक हुई है। बैठक में चर्चा हुई है कि किस तरीके से तैयारी की जाए, क्या आगे कुछ रोड मैप रहने वाला है। और ऐसे में चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री आने वाले हैं तो काफी है ये दौरा हो जाता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संध्या संवाददाता हमारे साथ दुर्ग से जुड़ चुकी हैं सीधे। संध्या, क्या कुछ तैयारी चल रही है, बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई? जी, संभागीय दौरा हो रहा है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं दुर्ग जिले में, जिनका 22 जून को आना तय किया गया है। और यहाँ पे संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज भी करेंगे। और जिसको लेकर के दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में बैठक चल रही है, जहाँ तमाम दुर्ग भिलाई के दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे एकजुट होकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं को रख करके आने वाले विधानसभा में जीत दर्ज की जा सके। जी, काफी अहम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनका ये दौरा माना जा रहा है। कितने दिनों में दौरा रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी? जी, आगामी 22 जून को उनका दौरा होने वाला है अमित शाह जी का, जिसको लेकर के पूरी तैयारियां यहाँ पे जोर शोर से भाजपाइयों द्वारा की जा रही है और तमाम दिग्गज नेता इस तैयारी को लेकर के जुटे हुए हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इस दौरे को लेकर के सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। कितने दिवसीय उनका दौरा रहने वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है जिसमें उनकी तरफ से शिरकत किया जाएगा? जी, अभी मिली जानकारी के अनुसार यह एक दिवसीय दौरा होगा जिसमें दुर्ग संभाग के पूरे कार्यकर्ता जो एकजुट होंगे और विधानसभा के आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। जी, अभी जो बैठक हुई है बीजेपी के दुर्ग में, उसमें क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, क्या कुछ तैयारियों को लेकर आगे की जानकारी निकल के सामने आ पा रही है? संध्या,
अभी 8 जून को कांग्रेस का एक संभागीय सम्मेलन भिलाई में हुआ था, जिसके बाद के भूपेश बघेल के द्वारा कुछ भाजपाई के केंद्र सरकार के द्वारा एमएसपी को लेकर के कुछ बातें कही गई हैं, उसको लेकर के भी यहाँ पे रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरीके से किसान हित में केंद्र सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है, लेकिन लगातार राज्य सरकार द्वारा उन्हें भटकाया जा रहा है। उस चीज को लोगों को समझाने के लिए भी यहाँ रणनीति बन रही है कि कैसे किसानों को भ्रमित होने से रोका जाएगा और कार्यकर्ता किसानों से मिलकर स्वयं इस वस्तु स्थिति से उनको अवगत कराएंगे। उसके साथ ही विधानसभा चुनावों को देखते हुए पूरी तैयारियों को लेकर के ही ये बैठक केंद्रित की जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संध्या तमाम जानकारियों के लिए। और रायपुर में राज्य सरकार ने 15 और नए कॉलेजों की स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस आदेश को जारी कर दिया है। साथ ही नए 495 पदों की भी वित्त विभाग ने स्वीकृति दी है। सीएम भूपेश बघेल ने अपने बजट में इसकी घोषणा की थी। तो बता दें कि 15 नए कॉलेजों को लेकर स्वीकृति मिली है। 495 पदों की भी वित्त मंत्री ने मंजूरी दे दी है और उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं आदेश। 495 पदों की भी वित्त विभाग ने स्वीकृति दी है और सीएम ने बजट में की थी इसकी घोषणा, जिसकी लिस्ट आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसमें कई ऐसे पदे हैं जिनको स्वीकृति मिल चुकी है। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से भी ये स्वीकृति दे दी गई है। 495 पदों की भी वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति दी गई है। बस्तर और सरगुजा संभाग के स्कूलों में शिक्षकों के 12,400 से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शनिवार को परीक्षा शुरू हो रही है, जिस पर प्रदेश भर के लगभग 4 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। पहले दिन शनिवार को शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है। इसके लिए प्रदेश में 527 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शिक्षक के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की तरफ से किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के सियासत में अब तक विपक्ष के निशाने पर सिर्फ सरकार का कामकाज था, लेकिन अब व्यक्तिगत बयानबाजी की भी एंट्री यहां की राजनीति में हो गई है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भूपेश बघेल के कक्का नाम पर तंज कसा है और खाका कह दिया है, जिसको सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता का अपमान करार दिया है। देखिए रिपोर्ट। ये कक्का नहीं है, ये काका है और ये काका सारे जनता के पैसे को खा। का पैसा अगर ना आए तो भूपेश की बत्ती गुल हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में, जो इस देश का एक राज्य है, यहां एक ऐसा मुख्यमंत्री है
जो चेहरा अपना हसमुख लोगों को मोहने के लिए, नाम काका, ये कक्का नहीं है, ये काका है, और ये काका सारे जनता के पैसे को खा खा गए हैं, उसी का जांच पड़ताल भी करते चल रहा हूँ, और ये सारे पैसे डगाड़ गए हैं। इधर मामले में सीएम भूपेश बघेल ने व्यक्तिगत टिप्पणी ना करते हुए सिर्फ इतना ही कहा, ये संबोधन छत्तीसगढ़ की जनता ने मुझे अपनी भावनाओं के जरिए दिया है, और कोई इस पर टिप्पणी कर रहा है तो छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहा है। सीधी बात है कि ये मैं अपने टाइटल तो मैंने खुद नहीं दिया है, पब्लिक ने दिया है, युवाओं ने दिया है, कका है तो भरोसा है, कका भी जिंदा है। तो ये लाइन जहाँ भी जाओ, वहाँ चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हैं, सब लोग इस प्रकार से संबोधित करते हैं। और यदि वो कका को खाखा बोल रहे हैं तो ये छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहे हैं। वो प्यार से कह रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता, अपने से होके कहा, मैंने तो नहीं कहा भाई मुझे इन शब्दों से संबोधित करिए, तो जनता का प्यार है जिन्होंने उसे, और कका शब्द का शायद अर्थ गिरिराज सिंह जी शायद नहीं जानते, इस कारण से वो इस प्रकार के छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहे हैं। साफ है चुनाव नजदीक है और सियासत आरोपों के जरिए हो रही है, मगर इन बयानों के जरिए वार पलटवार ने संकेत दे दिया है कि इस बार छत्तीसगढ़ की लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। और कांग्रेस सरकार के आबकारी मंत्री और कोटा विधायक कवासी लखमा ने बीजेपी नेताओं पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर बस्तर जिला अध्यक्ष बीजेपी युवा मोर्चा ने कोट चौक जगदलपुर में आबकारी मंत्री का पुतला फूका है। साथ ही इस दौरान बीजेपी ने आबकारी मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने सभी माताओं और सभी महिलाओं का अपमान किया है, जो कि किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लड़ाई है, आगे आओ, लड़ाई है, करो, बंद करो, भाषा का उपयोग करना बंद करो। सरकार के असंस्कारी मंत्री जो लगातार अभद्र भाषा का उपयोग करते रहते हैं, लेकिन भूपेश बघेल जी आज तक कवासी लखमा को हटाने की जिल्लत वो नहीं जुटा पाए हैं। इसे साफ पता लगता है कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की जो पार्टी है, किस प्रकार से असंस्कारी नेताओं को, असंस्कारी मंत्रियों को अपनी पार्टी में, अपने संगठन में जगह दे रखी है। जिस प्रकार से कवासी लखमा ने कांग्रेस के नेताओं के सहित में कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए गंदी गाली दी है, ये साफ प्रतीत होता है कि कांग्रेस का चाल और चरित्र कैसा है। ये लगातार जब से इनकी सत्ता आई है, तब से कवासी लखमा सहित कांग्रेस के जितने भी ये बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, ये सभी सत्ता के नशा में मदमस्त हो गए हैं। इन्हें पता नहीं है कि इन्हें क्या बोलना चाहिए। कांकेर के अंतागढ़ से पखानजूर तक आदिवासी पुखौती सम्मान यात्रा निकाली गई। दरअसल भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस के मौके पर बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की तरफ से यह आयोजन किया गया था। वहीं इस दौरान बीजेपी नेताओं ने पार्टी के जनसंपर्क अभियान को लेकर कहा कि गांव गांव तक बीजेपी के केंद्र सरकार और सुशासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों और भूपेश सरकार की नाकामियों को गिनवाएगी, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति से का प्रयास करेगी बीजेपी पुरखौती सम्मान यात्रा अनुसूचित जनजाति मोर्चा आदि दिवस। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी संस्कृति को मान्यता देती है। आदिवासी संस्कृति आदिकाल से चली आ रही है, जिसमें आज भी हमारे आदिवासी भाई पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में, चाहे वो झारखंड राज्य हो, जहां जहां भी आदिवासी रहते हैं, अनूठा माना गया है और संविधान मान्यता देती है। भारतीय जनता पार्टी के
नेतागण मान्यता देते हैं, इसीलिए ये पुरखोती यात्रा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाला गया है। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है और इस शुभ दिन पे हम सब लोगों ने भारतीय जनता अनुसूचित जनजाति मोर्चा की तरफ से भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दिए हैं। और इसी दिन को आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में से 5 स्थान है जहाँ पे पुरखौती सम्मान यात्रा ये जनजाति मोर्चा के द्वारा निकाला जा रहा है और इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन पुरखों को पूर्वजों को सम्मान के दृष्टि से और इस वनवासी क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में कि ऐसे हमारे जो पूर्वज रहे पुरखे रहे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को देश को आजादी दिलाने में जिनकी हाथ रही है ऐसे लोगों का सम्मान हो इसलिए पूरा कार्यक्रम ये रखा गया है। और ये परलकोट की धरती शहीद गैंद सिंह की धरती अंतागढ़ से ये पुरखौती सम्मान यात्रा हमारे कांकेर जिले से निकल रहा। छत्तीसगढ़ में पटवारी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आज सक्ती जिले के पटवारियों ने अपने धरना स्थल पर शासन के आदेश की प्रति जला दी, जिसके बाद शासन ने अति आवश्यक सेवा का बहाल देते हुए पटवारियों के हड़ताल पर एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। सक्ती जिले के पटवारियों ने बताया कि वो प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर कलमबंद हड़ताल कर रहे हैं। अपनी वेतन समेत वरिष्ठता के आधार पर राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की मांग और साथ ही महंगाई के अनुरूप स्टेशनरी भत्ता की मांग की है। हमारा हड़ताल 25 मई से लगभग अनुरोध जारी है और शासन द्वारा अचानक से हमें बिना बातचीत किए बिना हमको बुलाए बातचीत किए कल से अचानक से इसमें लगा दिया गया है। हमारी सभी मांगे जायज हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।